नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। जगह पुरानी थी जब हमारी टीम अकबर नगर के जमींदोज होने के बाद सर्वे के अगले पड़ाव और अगली कार्यवाही की कवरेज के लिए आम जनता की हालत और व्यथा जानने और सरकारी कार्यवाही कैसे होगी इसके चश्मदीद गवाह बनने के लिए पंत नगर और रहीम नगर पहुंची थी। बात बहुत पुरानी नहीं बल्कि कुछ दिनों पहले की है, जब अकबर नगर पर बुलडोजर कार्यवाही हुई थी। उसके बाद ही कहा जाने लगा था कि अब नंबर रहीम नगर, पंत नगर और अकबरार नगर का है। हमने देखा था लोगों का गुस्सा, लोगों का दर्द जो आंसुओं के सहारे उनके चेहरे पर नजर आ रहा था। लोग रो रहे थे, अपना दर्द बयां कर रहे थे और अकबर नगर के निवासियों की तरह उग्रता के साथ नहीं बल्कि विनम्र भाव से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से अपने आशियानों को बचाने की गुहार लगा रहे थे। आज हमारी टीम फिर उसी जगह पर चश्मदीद बनने गई थी जहां कुछ दिन पहले लोगों का दर्द नजर आ रहा था और आंखों में आंसू थे। पर इस बार आंसू तो थे पर वो दुख और दर्द के नहीं बल्कि खुशी के थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुखिया यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन लोगों की यहां बच्चों की गुहार सुनकर आज बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि जिनकी रजिस्ट्री है, जिनके पास कागजात हैं, उनके मकानों, उनकी आशियानों को नहीं गिराया जाएगा। तो जनता ने भी कहा थैंक यू योगी जी। देखिए हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव की ये खास रिपोर्ट। योगी बाबा जिंदाबाद, 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 हर महादेव। बहुत ज्यादा खुशी है, मेरा मंदिर बच गया। यहाँ मंदिर पे क्रॉस लगा के गए थे वो लोग। ये देखिए हम बहुत खुश हैं कि हम लोग का अब घर नहीं टूटेगा। हाँ। और अब हम लोग यहीं पे रहेंगे सारे दोस्त मिलके। सब दोस्त मिलके यहीं रहेंगे। योगी जी ने अपनी बहनों और बेटियों की जो है घर को उजाड़ा नहीं बसाया। उनका यही लगा था कि ये आखिरी होगा, इसके बाद हम लोग यहाँ पे मुहर्रम का नहीं बना पाएंगे। अच्छा। मगर हमको बहुत खुशी हो रही है कि अब हमारा हर साल कि अब हम यहाँ बना सकेंगे। उन्होंने जो है हम गरीबों के मकान टूटने से बचा लिए, हमारे बच्चों का भविष्य बनाया। इसके लिए बहुत धन्यवाद। पिछले एक साल से सियासी तपिश बनी हुई थी और सियासी तपिश थी यहाँ पर अकबर नगर प्रथम और द्वितीय को लेकर। उसके बाद कहा जा रहा था कुकरेल नदी के सौंदर्यीकरण को लेकर यहाँ पर अन्य भी कार्रवाई की जाएगी। अकबर नगर प्रथम और द्वितीय को यहाँ पर गिरा दिया, जमींदोज कर दिया गया और वहाँ पर केवल मैदान है। उसके बाद कहा जा रहा था कि रहीम नगर, पंत नगर, अबरार नगर की बारी है और जैसे ही बारी की यहाँ शुरुआत हुई केवल निशान लगाए जाने लगे, लाल निशान लगाए जाने लगे और यहाँ पर यहाँ के लोगों की व्यथा सामने आई। का कहना है कि रजिस्ट्रियाँ हैं, हम टैक्स भर रहे हैं, हम सारे जो ज़रूरी कागजात हैं वो हमारे पास हैं, फिर हमको गिराया क्यों जा रहा है। और बच्चों का दर्द भी हमने देखा है, जब छोटे बच्चों ने यहाँ पर गुहार लगाई थी सरकार से। पहले हमने देखा अकबर नगर प्रथम और द्वितीय की अगर बात करें तो वहाँ पर मामला कानूनी व्यवस्थाओं से लड़ा गया था, पर यहाँ पर मामला कानूनी नहीं बल्कि यहाँ पर आम जनता सड़प उतरी और बच्चे सड़प उतरे। उन्होंने अपने आसियानों को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई, गुहार काम आई और फिलहाल यहाँ पर आदेश दिया गया है कि अब जो रजिस्ट्री वाले हैं, जिनके पास कागज़ हैं, जो रजिस्ट्री से यहाँ पर मजबूत हैं, उनको ढहाया नहीं जाएगा। बड़ा फैसला यहाँ पर आया और कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनके मकानों पर भी निशान लगाए गए थे। मैं आपको निशान भी लगा दिखा देता हूँ, ये निशान है जो बताते थे कि अब यहाँ पर कार्रवाई की जद में ये मकान आएंगे, ये आसियाने आएंगे जो बड़ी मेहनत के साथ, बड़े मंसूबों के साथ और बड़े सपनों के साथ लोगों ने बनाए थे। क्या बोलेंगे, बड़ा फैसला आया है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ जो इन्होंने अपना फैसला सुनाया और हम लोग गरीबों की सुनी और बहुत अच्छा लगा हमें, क्योंकि हम लोगों ने इतना परिश्रम करके उनके वहाँ तक पहुँचे और उनसे गुहार लगाई, उनसे कहा, उन्होंने हमारी बात सुनी। हम गरीबों को जो है, नए छोटे बच्चे हमारे स्कूल जा रहे थे, उनका भी भविष्य बिगड़ रहा था, उसको देखते हुए हरी योजना ने जे मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही सोच समझ कर फैसला लिया और बहुत ही अच्छा लिया। हम हृदय से धन्यवाद दे रहे हैं उनका। क्या मान के चले कि इस बार कानूनी लड़ाई नहीं लड़ी गई, केस नहीं किया गया, विद्रोह नहीं किया गया
और यहाँ पर उग्रता नहीं दिखाई गई और यहाँ पर बच्चों ने अपनी बात कही, अपने घरों को, अपने आसियानों को बचाने की बात कही, अपने भविष्य को लेकर बात कही। इसी का परिणाम है कि मुख्यमंत्री ने यहाँ पर उसको देखते हुए संज्ञान लिया। जी हाँ, यही संज्ञान, क्यों छोटे बच्चे भी वो गुहार लगाई मुख्यमंत्री जी से और कहा कि हमारा भविष्य बिगड़ रहा है, हम पढ़ाई हमारी बर्बाद हो जाएगी, हमारे पिताजी ने एक एक पैसा जुड़ा करके मकान बनाया है, आसियाना बनाया हम लोग के लिए, और उठा दिया जाएगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे। इसलिए आदित्य योगी राजनीति से गुहार लगाई बच्चों ने और महिलाओं ने भी गुहार लगाई और हमारे सब लोग, हम हमारे साथी लोग भी गुहार लगाए और बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया। ठीक है, और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या बोलेंगे? पहले लंबी लंबी लड़ाई अकबर नगर प्रथम और द्वितीय यहाँ पर जमदोज कर दिया गया, सामने है, बहुत दूर नहीं है, हम देख सकते हैं, पर यहाँ पर गुहार लगाई गई, कोई केस नहीं लड़ा गया, उग्रता नहीं दिखाई गई, ना शासन को इतनी मशक्कत करनी पड़ी। सर्वे हुआ, सर्वे का निशान लगाया गया, उसके बाद यहाँ पर बच्चों की गुहार, मुख्यमंत्री का यहाँ पर आदेश। पहली बात तो हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि सरकार हम लोगों गरीबों को सुना। हम लोग यहाँ जो करीब 40 साल से रह रहे हैं और 40 साल में मकान बनाया और कोई अधिकारी किसी विभाग का नहीं आया और निशान लगाते समय कहने लगे ये ग्रीन बेल्ट है, निर्मित जमीन है, अवैध है, अवैध है, आपके मिले निशान लगा दिए। उसके बाद हम लोग बराबर संघर्ष करते रहे और सरकार से गुहार लगाते रहे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बड़ा हम लोगों को मदद किया, सहायता किया, क्योंकि आप एक माध्यम से हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँची, नहीं कौन सुनता हमारी, आप लोग पहुँचाए। मुख्यमंत्री ने हम लोगों को बुलाया, हम लोगों की जो है दर्द सुना उन्हें। अच्छा। आपको आप वहाँ पर कहा गया, आश्वासन दिया गया कि आपका कोई मकान टच नहीं करेगा, ना कोई छुएगा, डीएम साहब मौजूद, डीसी साहब मौजूद हैं। अच्छा। आप खुला दरबार, आप अगर कोई आता भी है तो आप मेरे पास चले आइए और डीएम साहब बताइए, डी साहब बताइए, आपको मकान जिसके पास रजिस्ट्री है एक्चुअली में उसके मकान टच नहीं किया जाए किसी कीमत पर। अच्छा, आपको नहीं लगता कि आप बुद्धिजीवी वर्ग से हैं, आपको नहीं लगता कि यहाँ पर जिस तरह हमने देखा था अकबर नगर प्रथम को लेकर यहाँ पर आदेश आदेश सर्वे आए थे तो काफ़ी वहाँ पर उग्रता दिखाई गई थी, उसके कारण यहाँ पर नाराजगी भी थी और कहीं ना कहीं मामला कोर्ट में गया, उसके मामला लगातार चलता रहा, यहाँ पर ना उग्रता हुई ना विरोध हुआ, सर्वे हुआ, निशान लगाएगा और यहाँ पर केवल एक आम जनता के तहत यहाँ पर अपने राजा से, अपने मुख्यमंत्री से यहाँ पर गुहार लगाई गई। हम लोग ने कुछ नहीं किया, न कोई जान लो विरोध किया, न प्रदर्शन किया, हम सिर्फ जान लो अपना हक मांगते रहे। हम लोग जो है नाजायज कोई कब्जा नहीं किए थे, हम लोग गाड़ी कमाई का पैसा लगाए थे और आप जानते हैं मकान किस मुसीबत से बनता है, परिवार जिलाना भी उसी में, महंगाई के दौरान खाना पीना उसी में, मकान बनाना, और फिर ऐसा जान लीजिए हो जाए हम लोग साथ तो हम लोग कहाँ जाते। वही अपनी आवाज़ जो है आपके माध्यम से हमने सरकार तक पहुँचाई और सरकार ने हमारी सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बोलेंगे? मैं सरकार का जो है बहुत बड़ा आभारी हूँ, उन्होंने जो है हम गरीबों के मकान टूटने से बचा लिए, हमारे बच्चों का भविष्य बनाया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। अच्छा, क्या मानते हैं कि खुशी के आंसू हैं? ये हमारे खुशी के आंसू हैं, खुशी के। आपको लगता है कि वहाँ पर इतनी जल्दी कार्रवाई कर दी गई, यहाँ पर आपने यहाँ पर यातना की यहाँ पर? जी, ये सिर्फ सरकार से गुहार लगाते रहे, उनसे हाथ जोड़ के विनती करते रहे, ये उसी का परिणाम है, उन्होंने हमारी गुहार को सुना। जी ठीक है। हाँ, कितना मकान था आपका? मेरा ये मकान बना हुआ है। अच्छा, सामने मकान। हाँ, बना हुआ। हाँ, और यहाँ पर आदेश आया था? जी, यहाँ निशान लगाने का आदेश आया, ये निशान लगाया गया है, इस गली में भी लगाया गया है। और हमारे साथ लोग भी मौजूद हैं, एक लेडीज है, उनकी राय भी ले लेता हूँ, क्योंकि इनका जो मकान है वो भी इस पर निशान लगा हुआ था, छोटी दुकान चलाती हैं, स्वरोजगार है इनका, इनसे राय जान लेता हूँ। भाई क्या बोलेंगे, यहाँ पर बड़ा आदेश आया है और बड़ा आदेश के बाद यहाँ पर लोगों की प्रतिक्रिया है। एक समय रो रही थी, सरकार को गुस्सा किया जा रहा था, मीडिया कर्मी पे भी गुस्सा उतारा जा रहा था, आज क्या कहेंगे? जी, आज सब लोगों को जो है धन्यवाद, जो है हमारा यही कहना है, जो किए तो सही किए और जो है हमारी यही उपकार है, सब लोग जो है तो यही जो है दुआ देते रहें, हम लोग आप लोगों की आशीर्वाद से जीते रहें। क्या कहना मानती है, यहाँ पर मुख्यमंत्री ने आपकी बातों संज्ञान लिया और यहाँ पर आदेश दिया है कि जो रस्की हैं, जिनके पास कागजात हैं, उनको यहाँ पर गिराया नहीं जाएगा, उनके मकानों पर बुलडोजर नहीं चलेगा? नहीं चलेगा जी, जी। बस हमारा लोगों को यही कहना है, बस बहुत खुशी की बात है, जो है अब जो हुआ तो हुआ, यहीं से जो है निशान मिट जाए। क्या बोलेंगे, आदेश वापसी हो गया है? बहुत अच्छा हुआ, बहुत बहुत आभारी है भैया, चलो कम से कम रुका तो, इतने से इतना अंदर भी जा सकता था, हैं जा सकता था, अब जब कुछ यहाँ टूटेगा तो अंदर भी तो जाएगा, ऐसी बात तो है नहीं। तो आप लोग
खुश हैं? बहुत खुश है, बहुत खुश है, दिल से दुआ देते हैं। चलिए ठीक है, हम लोग दिल से दुआ देते हैं कि खूब अच्छे रहें, खूब उनके जो कम क्या मानते हैं यहाँ पर, क्यों ये यहाँ पर जिस तरह से अकबर नगर में बुलडोजर चला पूरा जमीरोज कर दिया गया, दिल्ली में जमीरोज कर दिया गया, यहाँ पर ये कहेंगे कि वो लोग अवैध अगर थे तो अवैध थे, क्योंकि वो नाले की जमीन थी, लेकिन हम लोग के पास तो रजिस्ट्री है, है? हम लोगों ने इतनी मेहनत से लिया, राड़ बेवा होकर के अपने बच्चे पाले हैं, अब जरा सा बड़े हुए हैं तो अब वो छीन जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। तो यहाँ पर लोगों की मनोहार भी है और कहरा भी है कि अगर हमारे आवाज छिड़ जाएंगे, हमारे आशें छिड़ जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। एक हमारे साथी भी मौजूद हैं, इनकी राय भी ले लेता हूँ, बड़े खुश हैं मेरे ख्याल से। क्या बोले? अब हम लोग का आज ये मुहर्रम का त्यौहार है जी। तो हम लोग सोच रहे अब हम लोग का शायद आखिरी त्यौहार होगा। अच्छा, तो अब हम लोग का आखिरी त्यौहार होगा, यहाँ से चले जाएंगे। हम लोग का यही लगा था कि अपना ये आखिरी होगा, इसके बाद हम लोग शायद यहाँ पे मुहर्रम का नहीं बना पाएंगे, मगर हमको बहुत खुशी हो रही है कि अब हमारा हर साल कि अब हम यहाँ बना सकेंगे। इसके लिए हम योगी जी के बहुत बहुत अधिकारी मतलब कि उपकार उनका मानते हैं। क्या मानते हैं कि अकबर नगर में कार्रवाई हो गई थी और तदवे कार्रवाई की गई और उस समय लोगों को गुस्सा भी रहा, लोग उग्र भी थे, नाराज भी थे, यहाँ पर भी जब निशान लगाए जा रहे थे तब लोग आप लोग भी हताश थे, परेशान थे, पर यहाँ पर क्या वजह मानते हैं कि यहाँ पर सरकार ने संज्ञान लिया है, आपने शांति से अपनी बात रखी, इसका ही कारण है? जी सर, हम लोगों ने शांति से बोल लिया निर्णय और सरकार ने हमारी बात सुनी। वहाँ पे अवैध थे तो तोड़े गए, इसके लिए उनके लिए दिक्कत थी, मगर यहाँ पे हम लोग पास रजिस्ट्री भी है, कागज भी है और सरकार ने हमारी बात सुनी, इसके लिए हम बड़े खुश हैं। अमूलन कहा जाता है सरकार आप लोग खिलाफ रहती है, इसमें क्या बोलेंगे? नहीं, सरकार हमारे खिलाफ कभी रहती नहीं ना, सरकार क्यों रहेगी, हम लोग सरकार ने हमारा भी घर ही क्या है जो सरकार हमारे लिए खिलाफ रहेगी। क्यों रहेगी भैया खिलाफ वो हमारी? अच्छा। हम भी उन्हीं के हैं, छत्र छाया में। क्या बात है? और जहाँ हम पैदा हुए, जहाँ इतनी उम्र बीत गई, मरने के पड़ाव पर आ गए, तो ये मेरा ही तो है, बिल्कुल मेरा ही देश है, यहीं के लोग पहुँचाएंगे और कौन जाएगा, कहीं हमें विदेश से आएंगे फेंकने के लिए? क्या बात, कोई विदेश से नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप खुश हैं? कोई नहीं, हम बहुत खुश हैं। कोई आपके खिलाफ नहीं है? कोई मेरे खिलाफ? हाँ, सरकार मेरे साथ है, बहुत अच्छा है। सरकार इनके साथ है। बिटिया पूछ लेता हूँ, बड़ा फैसला आया है और यहाँ पर मैंने जो जानकारी है सबको पता है, बच्चों ने यहाँ पर गुहार लगाई थी अपने मुख्यमंत्री से, अपने उत्तर प्रदेश के मुखिया से। क्या बोलो बेटा? हम लोग सब दुखी थे कि सबका घर जा रहा है ये सब, पर अब बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा ही खुश हैं सब, मतलब इतनी खुशी हुई है सबको, सारे बच्चे खुश हो गए। खाना वाना पकता था, ऐसे ही रह जाता था वो। अच्छा, खाना नहीं खाते थे आप लोग? अच्छा, खाना नहीं खाते थे, दुखी थे? क्यों दुखी थे भाई? सबका घर जा रहा था। अच्छा, अब क्या बोलती हो? अब खुश है। सरकार के फैसले पे क्या बोलती हो? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को क्या बोलोगी? उनका बहुत ज्यादा थैंक्स। चलो थैंक्स बोला है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को। एक बच्चा और घूम रहा है, तुम भी कुछ बोल रहे थे, बता रहे, बोल रहे हैं, नाराज मत हो, देखो सामने देखो, तुम्हारी फोटो आई, बोलो क्या बोलोगे सामने देखो। हम तो सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि तुमने भी यहाँ पर गुहार लगाई थी, मुख्यमंत्री से कहा था कि हमारे जो घर है उनको तोड़ा मत जा, तुम भी थे ना? हम भी थे, हमारे तो खाली हम बहुत खुश हैं कि हम लोग का अब घर नहीं टूटेगा और अब हम लोग यहीं पर रहेंगे सारे दोस्त मिलके, सब दोस्त मिलके यहीं रहेंगे। हाँ, पहले हमको लगता था कि सारे दोस्त बिछड़ जाएंगे, अच्छा बिछड़ने का दर्द था आपको छोटे उम्र में। मुख्यमंत्री का आदेश है, क्या बोलोगे मुख्यमंत्री के लिए? बहुत बहुत उनको धन्यवाद। चलिए, मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया है और बहुत धन्यवाद दिया है, और धन्यवाद यहाँ पर आक्रोश का नहीं, ना बदले का है, धन्यवाद है उन व्यवस्थाओं का जो यहाँ पर उन लोगों की सजो दी गई है, इनके घरों को, इनके आसियानों को बचा लिया गया है। पर एक महिला और है, उनकी राय भी ले लेता हूँ, अभी भी खड़ी हुई थी, बुजुर्ग हैं और काफ़ी कुछ यहाँ पर बिताया होगा, समय बिताया होगा, इनकी राय भी ले लेता हूँ, क्या बोलेंगी? बड़ा आदेश आया और यहाँ पर आदेश के बाद जो खुशी है वो चेहरे पे नज़र आ रही है, और खुशी है ये वास्तव में वो खुशी है जो यहाँ पर उनको एक समय दर्द था, अपने आसियानों को टूटने का भय था, वो भय खत्म हो गया, मेरे ख्याल खुशी है, ये खुशी बताती है कि मुख्यमंत्री के आदेश पर इनको बहुत संवेदना और बहुत हाँ खुशी हुई है। क्या बोलेंगे? खुशी हुई है। अब अब तो अच्छा हो रहा, तो अच्छा, अब तो खुशी है ही। और क्या मानते हैं? यहाँ पर बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात ली गई, उसी का परिणाम है यहाँ पर मुख्यमंत्री ने आपकी बातों का संज्ञान लिया है। अब ये तो नहीं बता सकते। अच्छा,
आप खुश हैं? मुख्यमंत्री के लिए क्या कहेंगे, आदेश के लिए क्या कहेंगे? ठीक है, चलिए ठीक, हाँ धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा बोलिए। धन्यवाद मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने हमारी बात को सुना। अच्छा, और उसको समझा। अच्छा, और उसके बाद जो है इसको तुरंत संज्ञान में लिया। अच्छा, इसलिए मैं मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और अपने मोहल्ले के वासियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने अपना बहुत बड़ा उनका योगदान रहा, उन्होंने जी तोड़ मेहनत की है, और उसके बाद इसको मुख्यमंत्री जी के सामने ले जाने का प्रयास किया है, तब आज जो है ये यहाँ रहीम नगर हमारा ये क्षेत्र बच पाया है। हम उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि हाँ उन्होंने हमारे लिए बहुत बहुत कुछ किया है। मेला माजर और मौजूद हैं यहाँ पर, बहुत खुश है, बहुत खुश है कि मतलब हम लोग एक परिवार है यहाँ पे, अगर बिखरते तो सब बिखरते हैं। मेरा बचपन यहीं बीता है, हम यहीं से विदा होके गए हैं। तो यहाँ की आप लड़की हैं और यहाँ पर फिलहाल आई हैं जी, क्या मानती है, बड़ा आदेश यहाँ पर था गिराने का, बड़ा ही आदेश आया है यहाँ को रोकने का? बहुत धन्यवाद है भैया, बहुत धन्यवाद है। बहुत हम लोग खुद परेशान थे कि अगर सब चिथी बितर हो जाए तो कहाँ सब जाएंगे। अच्छा ठीक है, ये बिटिया और मौजूद है, ये बिटिया की बात भी ले लेता हूँ, बड़ी छोटी है, मेरे ख्याल बच्चों की यहाँ गुहार बहुत काम आई है, बच्चों की यहाँ पर बात सुनी है उत्तर प्रदेश के मुखिया ने, क्या बोले, क्या बोले बेटा, यहाँ पर घर खोलने के आदेश थे रोक दिया गया, क्या बोलोगे? मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, हमारा घर रोक दिया गया है। अच्छा, टूटने से बचा दिया गया है। अच्छा, तुमने ये बात कही थी नहीं सरकार से? हाँ, तुम भी शामिल थी जी, तुमने सरकार से कहा था ये बात? जी जी। अच्छा लग रहा है आपको? जी बहुत अच्छा लग रहा है। कौन सा घर है आपका? मेरा वाला घर। तो वाला घर है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग वो भी टूटने के लिए? अच्छा, अच्छा नाला कूद जाओगी? चले ठीक है, सरकार को क्या बोलोगी? बहुत बहुत धन्यवाद। तो सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ पर बच्चे बूढ़े और जवान सबकी एक ही राय है कि सरकार ने हमारा आशियाना टूटने से बचा लिया। और एक लड़की और आ गई है मेरे ख्याल से, मुझे जानकारी मिल रही थी कुछ बच्चे भी यहाँ थे, क्या बोलोगे बेटा? थैंक्स बोलना चाहती हूँ। किसको? योगी जी को। योगी जी को थैंक्स बोलना चाहती हैं? किस लिए बोलना चाहती हैं? उन्होंने हम लोगों की बात सुनी और इसीलिए। क्या मानते हैं यहाँ पर बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से बात कही गई, अपनी याचना रखी गई, अपनी बात रखी गई, अपने घरों को बसाने की बात रखी गई, तभी यहाँ पर फैसला सरकार का आया है? जी। अच्छा। हम लोगों ने बहुत शांति से अपनी बात रखी और सब लोगों ने योगी जी से मिलने भी गए थे और उन्होंने बहुत अच्छे से हमसे बात की। अच्छा, आप लोग मिलने गए थे? जी। अच्छा, आपकी मुलाकात हुई? नहीं नहीं, अब वो अंकल लोग गए थे ना, बड़े अंकल लोग गए थे। तो फैसला आ गया है, अब आप खुश है? आखिरी शब्द क्या बोलेंगे? यही कि उनका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर उनका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि यहाँ पर घरों ने बचा लिए गए हैं, और घरों ने नहीं, यहाँ पर सपने बचाए गए हैं, वो सपने जो सबके मन में थे, क्योंकि जब कोई मकान बनता है तो मेहनत ईंट और सीमेंट से नहीं बनता, बल्कि सपनों से बनता है, घरों ने ऐसे ही नहीं बनते, जज्बात होते हैं व्यवस्थाओं के, जज्बात होते हैं प्रेम के, और जज्बात होते हैं रिश्तों के। तो यहाँ पर जब आदेश आया तो सबकी अपनी प्रतिक्रिया है, हमने लोगों की राय भी जानी, और यहाँ पर भी खड़े हैं पंतनगर में, जहाँ पर रहीम नगर में, यहाँ पर लोग कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का भी ये धन्यवाद दे रहा है, और ये वही महिलाएं हैं जो बड़ी उस समय रो रही थी, बड़ी दुखी थी, क्योंकि इनकी आशियाना टूटने का दर्द था, और यहाँ पर फिलहाल आशियानों को टूटने का आदेश उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने रोक लिया है, और वो जो खुशी है वो चेहरे पर नजर आ रही है, क्या बोलेंगे? बहुत ज्यादा खुशी है, मेरा मंदिर बच गया, यहाँ मंदिर पे क्रास लगा के गए थे वो लोग, ये देखिए, तो उसी खुशी में हम लोग लड्डू बांट रहे हैं और भजन कर रहे हैं, आप उस समय बड़ी नाराज थी। क्या करूँ, नाराजगी की बात ही थी तो क्या किया जाए, हम लोग को समझ नहीं आ रहा था। अकबर नगर पर यहाँ कार्रवाई हुई, केस लड़ा गया, यहाँ केस भी नहीं हुआ, उग्रता भी नहीं हुई, केवल यहाँ पर मनोहार हुई सरकार से अपने आशियानों को बचाने की, ये शांतिपूर्ण तरीका था, इसलिए यहाँ पर सुनवाई की गई। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हमने योगी जी से बस प्रार्थना की कि हमारा घर तोड़ने से बचा ले प्लीज, कोई बेघर ना हो, हमारा यही प्रयास था कि कोई बेघर ना हो हमारा घर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, आज तो हम लोग मिलके आए ना, हम दोनों गए थे मिलने के लिए, हाँ मिलके आए हैं, दोनों लोग गए, हम लोग डायरेक्ट उनसे बात की है और हम लोग से बात करके उन्होंने पूरा पुष्टि की, हाँ बिल्कुल मिलके आए, हाँ उन्होंने हमें खुद बताया कि आपकी अगर रजिस्ट्री है तो आपका पूरा हक है कि आप उस पर घर बनाए और आपके घर को नहीं छुआ जाएगा, भले हम लोग उस नाले को कम कर देंगे, उसका दायरा कम करेंगे, लेकिन आप वहाँ सुरक्षित हैं, पूरा आश्वासन दिया कि हम लोग यहाँ सुरक्षित हैं। क्या बोलेंगे? बहुत खुशी मिल रही है, बहुत खुशी मिल रही है, उनका आदेश सुनकर हम लोग बहुत खुश है कि आज हम लोग के घर के बहुत आज उन्हीं की वजह से हम लोग मनाते हैं।
यहाँ पर लोगों को खुशी बता रही है कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज है योगी जी ने अपनी बहनों और बेटियों की जो है घर को उजाड़ा नहीं बचाया। योगी बहुत अच्छा किया सबको बचा के घर, धन्यवाद। जय हो योगी। बहुमत गलत नहीं हो सकता है हमारा। जय श्री राम, जय श्री राम। योगी बाबा जिंदाबाद, हर हर महादेव। तो जयकारा है, ये जयकारा मंदिर के बाहर है। वो जयकारा किसी त्योहार को लेकर नहीं, जयकारा उस त्योहार को लेकर है जो फिलहाल इनके बीच मनाया जा रहा है। वो त्योहार है खुशी का त्योहार, जहां पर लोगों को निजात मिली है व्यवस्थाओं से और अपने आप को बचाने से। यहां लोगों को निजात मिली है अपने आसियानों को टूटने से। यहाँ पर लोगों को निजात मिली है अपने दर्द से। जब घरों ने टूटे हैं तो वो दर्द होता है जिसको सहना संभव नहीं है, क्योंकि पाई पाई जोड़कर बड़ी मेहनत के साथ, जज्बातों के साथ, रिश्तों के साथ आसियाना बनाए जाते हैं। और यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर महिलाएँ फिलहाल यहाँ पर महिलाएँ कीर्तन कर रही हैं और अपने खुशी को जाहिर कर रही हैं। और यहाँ पर जिस तरह से हमने देखा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यहाँ पर आदेश के बाद यहाँ पर बच्चों की खुशी भी है और यहाँ पर लोगों के नारे हैं, लोगों ने नारे भी लगाए हैं मुख्यमंत्री के नाम के। कोई बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी राय भी जानते हैं। क्या बोलोगे बेटा? मुझे खुशी हो रही है कि हमारा घर बच गया है। अच्छा, हाँ। तुम भी गई थी बात करने के लिए? नहीं, मैं नहीं गई थी। तुमने यहाँ पर रिक्वेस्ट की थी मुख्यमंत्री से? हाँ, मैं प्रे तो कर रही थी। रिक्वेस्ट की थी? हाँ। तो चलिए ठीक है। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट की थी और यहाँ पर फिलहाल उस मनुहार का, उस प्रार्थना का, उस विचार का, उस अच्छाई का और शांति के साथ अपनी बात कहने का यहाँ पर फल मिला है। वो फल इनके लोगों के चेहरों की खुशी के रूप में नजर आ रहा है। खुशी जरूरी है, व्यवस्थाएं जरूरी है और साथ ही संघर्ष जरूरी है। हमने देखा है जब जब हम संघर्ष करते हैं शांति के साथ तो यहाँ पर जो आदेश आता है, निर्णय आते हैं, वो ही पलट जाते हैं और लोगों के चेहरे पर आंसू देखकर जाते हैं। पर वो आंसू यहाँ पर दर्द के नहीं बल्कि खुशी के होते हैं जो फिलहाल हम लोगों के चेहरे पर देख रहे हैं। क्या पसंद? दीपक के साथ गौरव श्रीवास्तव, सीरीज भारत, लखनऊ। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।